3.0 लीटर V6 सुपरचार्ज इंजन और ये हॉन्गची प्रोडक्शन है लेकिन ऑडी टेक्नोलॉजी के साथ। साइड की बात कर लेते हैं, कितनी लंबी है ये हॉन्गची की H9। ड्राइवर जो सीट है 18 वेज मूवेबल, चार की चार ड्राइवर सीट्स में आपको मसाज मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पीपल, मैं हूं कारकिड, आप देख रहे हैं कार रिव्यू। ये है हॉन्गची H9। हॉन्गची एक चाइनीज़ ब्रांड है, 1958 में बना था, ऑफिशियली 1959 में मार्केट में आया था और अमेजिंग कार्स बनाते हैं ये लोग। इवन के चाइनीज़ प्रेसिडेंट भी हॉन्गची की गाड़ी यूज़ करते हैं और ये है इनकी फ्लैगशिप कार हॉन्गची H9। हॉन्ग का मतलब है रेड और ची का मतलब है फ्लैग, तो ये गाड़ी और हॉन्गची ब्रांड जो है वो चाइनीज़ फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम इसको रिव्यू करने वाले हैं। तो इस गाड़ी को देखते ही आप सोच रहे होंगे ये काफ़ी गाड़ियों का मिक्सचर आपको लग रहा है, यार रोल्स रॉयस कोई गोस्ट लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि ये BM, ऑडी और रोल्स रॉयस गोस्ट का मिक्सचर है, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि इतने सारे ऑप्शन हैं इस गाड़ी में और प्राइस रेंज जब आप सुनेंगे तो आप वाकई हैरान हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की शेप, लाइट्स, डिज़ाइन और हर एक चीज़ और बेस्ट क्वालिटी। तो आज हम इसके फीचर्स देखेंगे। तो आज मुझे हॉन्गची वालों ने बुलाया है यहाँ पे दुबई में इस गाड़ी को रिव्यू करने के लिए। मैं बहुत थैंक्स करता हूँ उनका, और वो सिर्फ वाहिद ब्रांड है हॉन्गची जो आपको पूरे मिडल ईस्ट में 7 साल की अनलिमिटेड माइलेज वारंटी देता है। तो जंप करें इधर और अपनी H9 ले जाएं। तो हॉन्गची H9 की प्राइस की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग जो प्राइस है चार सिलेंडर की वो है 255,000 UAE दिरहम्स, और ये चली जाती है फ्लैगशिप मॉडल जो 6 सिलेंडर है, ये तकरीबन 3,55,000 UAE दिरहम्स में। डॉलर्स में मुझे प्राइस का इतना खास अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अगर आप कन्वर्ट करें तो 68,000 USD से लेके तकरीबन 95,000 डॉलर्स तक चली जाती है ये। तो इंजन की बात कर लेते हैं, आपको कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आएगा इसमें, टोटली कवर्ड है सब कुछ, लेकिन दो तरह के इंजन हॉन्गची आपको ऑफर करता है इसमें। एक 2.0 लीटर L4 टर्बो चार्ज इंजन है, यह है 3.0 लीटर V6 सुपर चार्ज इंजन और ये हॉन्गची प्रोडक्शन है लेकिन ऑडी टेक्नोलॉजी के साथ। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 280 हॉर्स पावर, 400 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और 7-speed वेट डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ। 0 से 100 पे ये गाड़ी जाती है 7.1 सेकंड्स में। तो ये है हॉन्गची का फ्रंट लुक, आप देख सकते हैं फ्रंट में ये है वाटरफॉल ग्रिल इसको कहते हैं, और बहुत अमेजिंग क्वालिटी है। आपको मैं दिखाऊं, फ्रंट से ये ग्रिल रोल्स रॉयस गोस्ट से मिलती है लेकिन टोटली डिफरेंट है। जब करीब से देखें तो दो लाइन्स हैं क्रोम की, एक ये बड़ी है और एक छोटी डिज़ाइन बना हुआ है। इसमें बहुत सारे कैमरे सेंसर्स वगैरह हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो बड़ी यूनिक है इस गाड़ी में, वो है इसकी वेलकमिंग लाइट्स। जैसे ही आप अनलॉक करते हैं तो ये पूरी LED यहाँ से जल के उस तरफ तक जाती है। और एक और मज़ेदार चीज़ यहाँ पर ये देखें, ये रेड जो लाइट है ये यहाँ सेंटर बोनट तक जाती है, लेकिन ये एरिया लाइट अप नहीं होता, ये लाइट होती है सिर्फ। तो कितनी ज़बरदस्त लगती है ये। इसमें मैट्रिक्स LED है जो कि बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। वो ये करती है कि जब आप किसी जगह रात को ड्राइव कर रहे हैं और ऑपोजिट साइड से कोई गाड़ियाँ आ रही हैं, उनकी आँखों में ये नहीं लगती रोशनी, ये डिटेक्ट करती है और उस एरिया को सिर्फ बीम थ्रो नहीं करती, लाइट थ्रो नहीं करेगी, तो आने वाली ट्रैफिक की आंखों में नहीं पड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। क्रोम का कुछ काम हुआ है, नीचे भी क्रोम का काम हुआ है। ये फोग लैंप्स हैं, सेंसर्स हैं, कैमराज हैं बहुत सारे, जो कि मैं आपको अंदर टेक्नोलॉजी दिखाऊंगा, लेकिन ज़बरदस्त शेप। साइड की बात कर लेते हैं, कितनी लंबी है ये हॉन्गची की H9 और बहुत ही लग्जूरियस लुक देती है। साइड पर आप आ जाते हैं तो आपके पास 20 इंच के व्हील्स हैं, सेंटर में हॉन्गची का लोगो है, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे टू टोन कलर इसका बहुत अच्छा लग रहा है, V60 यहाँ पे लिखा है। एक और चीज़ वेलकमिंग लाइट्स में आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि अब मैंने आपको फ्रंट में दिखाई थी, ये साइड में भी हैं। जैसे ही आप अनलॉक करते हैं गाड़ी, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे विंग्स बने हैं, तो ये एरिया भी लाइट अप होता है। और ये मिरर के नीचे मेरे हाथ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये लाइट ये प्रोजेक्ट करता है ग्राउंड पे, रात को बहुत ही अमेजिंग विंग्स बने हुए नज़र आते हैं आपको। मैं ट्राई करूँगा क्लिप रात को लेने का जो आपको नज़र आ सके। उसके बाद आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, 7 कैमरे हैं टोटल इस गाड़ी में, एक यहाँ पर इस मिरर के नीचे, एक राइट साइड पर, एक आगे ग्रिल पर, 2 स्क्रीन पर हैं और 2 ही पीछे हैं। यहाँ पर डोर हैंडल्स पर आप आते हैं तो ये पॉप आउट करते हैं, ऐसे बाहर निकलते हैं और आप ऐसे दरवाज़ा खोल सकते हैं।
ऐसे छोड़ेंगे, सॉफ्ट क्लोजिंग डोर है, ख़ुद बहुत बंद हो जाएगा। और नीचे कुछ क्रोम का काम हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त लग्जरियस लुक देता है ये। ये है होंगची H9 का पीछे का लुक। और सबसे पहले मैं आपको वेलकमिंग लाइट्स दिखाता हूँ। जैसी गाड़ी अनलॉक करते हैं, यहाँ पे देखें दोनों साइड फ्लोइंग जाती हैं लाइट्स, और यहाँ पे ऐसे एक एक करके ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पे लिखा है होंगची, ये है चाइना फॉर ऑटोमोबाइल्स, चाइना में है H9 उस साइड में लिखा है। सेंटर में दो कैमराज हैं, दो क्यों, एक जो सेंटर मिरर है अंदर वो कैमरा में टर्न हो जाता है डिफरेंट सिचुएशंस में, और एक है रिवर्स कैमरा। इसकी ये टेल गेट यहाँ से भी खोल सकते हैं बटन प्रेस करके, और रिमोट से भी खोल सकते हैं। काफ़ी फास्ट है, बहुत अच्छा कार्गो एरिया है। कुछ सामान होंगी की तरफ से अंदर रखा है। नीचे आते हैं तो क्रोम के एग्जॉस्ट टिप्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये क्रोम की लाइन जाती है उस तरफ तक, तो क्या ज़बरदस्त पीछे से लगती है। एक बार फिर लाइट्स एंजॉय करते हैं अनलॉक करके, देखें। तो आ चुके हैं हम इंटीरियर में होंगची H9 के, और बहुत ही कमाल की क्वालिटी। सीट्स की क्वालिटी आप देखें, बहुत ज़बरदस्त। ड्राइवर जो सीट है 18 वेज मूवेबल है, यानी कि 18 डिफरेंट पोजिशन में आप इसको मूव कर सकते हैं। चार स्क्रीन्स हैं, एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ये है गेज क्लस्टर, यहाँ पे एक स्क्रीन है, लेकिन ये आपको एम्बिएंट लाइट्स का मज़ा देती है। और बड़ा ही ज़बरदस्त डैशबोर्ड मैचिंग करने के लिए इन्होंने पूरा, वहाँ तक मैंने बेंटले की थी और उसमें भी इसी तरह का था इंटीरियर, काफ़ी बेंटले से मिलता जुलता है, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। चार की चार ड्राइवर सीट्स में आपको मसाज मिलेगा, डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये प्लास्टिक नहीं है, ये वुड है, और इसका डिज़ाइन कमाल। इस प्राइस में अगर आप कंपेयर करें बाकी गाड़ियों को और इसको, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और सारे के सारे ऑप्शंस के साथ। ऑप्शंस में आपको दिखाता हूँ, ये है गेज क्लस्टर। गेज क्लस्टर पे आपको बहुत से ऑप्शंस, सेटिंग्स वगैरह चेंज करने का मिलेगी, जो कि एक नॉर्मल गाड़ी में होनी चाहिए, इसमें भी हैं वो। स्टेयरिंग पर आपके पास बटन है, आपके पास स्टेयरिंग हीटेड का भी यहाँ पे ऑप्शन है, ये प्रेस करेंगे तो हीट स्टीयरिंग होगा। यहाँ से वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट सेटिंग्स, ऊपर नीचे HUD लिखा है इस पर, और यहाँ पे लिखा है हेड्स अप डिस्प्ले की सेटिंग्स हैं, बैक लाइट सेटिंग्स हैं, और इस गेज क्लस्टर के कुछ थीम्स हैं। वो डिफरेंट थीम्स क्या हैं, आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, यहाँ पे लिखा है सेटिंग, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये DISP & BRI लिखा है सेटिंग में। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये है थीम सेटिंग। आपके पास तीन डिफरेंट किस्म के गेज क्लस्टर हैं। ये आप सिंपलिसिटी पे क्लिक करेंगे तो गेज क्लस्टर चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह का नज़र आएगा। फिर उसके बाद दूसरा है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा गेज क्लस्टर में, दो डायल आ जाएंगे और ये फिर चेंज हो जाएगा। इसी तरह तीसरा है क्लासिक, क्लासिक में जाएंगे तो फिर ये एक नया गेज क्लस्टर आएगा। तो थीम्स, आपके पास तीन डिफरेंट किस्म के थीम्स हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे व्हीकल सेटिंग है, व्हीकल सेटिंग में जाएंगे, कंफर्ट है, कंफर्ट में आप जाएंगे तो बॉडी हाइट आप गाड़ी की ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें एक पंप है जो कि मोटर लगी है, पंप भी है जिस जो कि आप हाइड्रोलिक जो कंट्रोल करता है। तो स्पोर्ट्स मोड में, इसमें डिफरेंट मोड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड में वैसे ही गाड़ी जो है वो नीचे हो जाती है, लोअर मोड में आ जाती है। इसी तरह ड्राइव एंड सेफ है, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप डिफरेंट चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एलईडी में जब जाएंगे सेटिंग में तो एम्बिएंट लाइट के कलर्स हैं यहाँ पे, एम्बिएंट लाइट 253 किस्म के डिफरेंट कलर्स हैं आपके पास। और उसके अलावा आपके पास, जैसे कि मैं अभी ये चेंज कर रहा हूँ तो आप ये देखेंगे ये स्क्रीन, और नीचे भी काफ़ी सारी हर जगह में डोर में लाइट है, नीचे लाइट है, तो वो रात को बेहतर आपको नज़र आएगी। लेकिन मैंने इसलिए ये व्यू रखा है ताकि आपको ये कलर नज़र आए चेंज होता हुआ। तीन डिफरेंट किस्म के मोड्स भी हैं आपके पास। स्विच टू ड्राइविंग मोड लिखा है यहाँ पे, ड्राइविंग मोड में करेंगे तो इको पे डिफरेंट कलर आ जाएगा। जैसे मैं इको पे किया है तो ये डिफरेंट कलर है ब्लू, स्पोर्ट्स पे यहाँ पे डिफरेंट कलर आ जाता है, स्नो पे डिफरेंट कलर आ जाता है। तो इस तरह ये डिफरेंट कलर्स आएंगे जब ड्राइव मोड पे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर है स्विच विद द म्यूज़िक, जब म्यूज़िक के साथ डिफरेंट कलर्स चेंज होते जाएंगे, आप वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो ये देखें ये कलर चेंज होते जा रहे हैं, तो इस तरह ये म्यूज़िक के साथ कलर चेंज करेगी अपने। और दूसरी एक अच्छी ज़बरदस्त चीज़ यह है कि आपको बहुत कम गाड़ियों में चार सीट्स पे मसाज मिलता है, और इसकी चारों सीटों पे मसाज है, इवन के ड्राइवर सीट पे भी मसाज है। तो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है मटेरियल की। यहाँ पे कुछ गेजेस हैं जो कि क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं आपके, इससे आप टेम्परेचर लो और हाई कर सकते हैं। इसी गेज को अगर आप क्लिक करेंगे ऐसे तो ये देखें, ये इसमें आ जाएगा डिफरेंट एयर की जो फ्लो की डायरेक्शंस हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे पाँव पे और इस तरह। फिर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना टेम्परेचर सेलेक्ट करते हैं। ये स्टार्ट स्टॉप बटन, ये है गियर लीवर, इसको आप
प्रेस करें, साइड में बटन है ऊपर नीचे कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के व्यूज़ हैं आपके पास। यहाँ पे बटन है कैमरा का, ये कैमरा आप दबाएंगे तो ये साइड में लिस्ट आ जाएगी। 2D व्यू, यहाँ पे 2D व्यू आपको नज़र आएगा, 3D व्यू, फिर यहाँ पे 3D व्यू नज़र आएगा। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, ऐसे जैसे रोटेट करेंगे आपको अपनी गाड़ी नज़र आएगी। वाइड व्यू, वाइड व्यू पे क्लिक करेंगे, इसी तरह बहुत सारी सेटिंग्स हैं आपके पास। तो ये आप कैमरा पे फिर क्लिक करें, ये रिम व्यू आ जाएगा, वाइड व्यू आ जाएगा, इस तरह सेटिंग्स हैं। एक और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने बहुत कम गाड़ी में देखी, यहाँ पे लिखा है ड्राइविंग रिकॉर्डर। इसमें डैश कैम है गाड़ी में। यहाँ पे डैश कैम क्या करता है कि आप डैश कैम पे क्लिक करें, रिकॉर्डिंग शुरू कर लेगा। सेटिंग में जाके आप डैश कैम की क्वालिटी भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, 1080p या 720p। तो क्या ज़बरदस्त ऑप्शंस दिए गए हैं। ये है सेंटर व्यू मिरर, इसको आप ऐसे नीचे बटन है क्लिक करेंगे तो पीछे आपको कैमरे का व्यू नज़र आएगा। पीछे दो कैमराज है जो मैंने आपको बाहर से दिखाए थे, एक था रिवर्स कैमरा, एक है ये वाला कैमरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो ये व्यू आपको देता है। अक्सर ऐसी डायरेक्शन में आप खड़े होते हैं कि आप पीछे नहीं देख सकते या ब्लॉक होता है पीछे, तो आप इधर से अपना व्यू चेक कर सकते हैं। पैनोरामिक सनरूफ है इसका, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसका शेड वगैरह और सारा कुछ। यहाँ पे सेंटर कंसोल है, कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, कप होल्डर्स हैं, ये माउस है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, नेविगेशन वगैरह भी सब है। यहाँ पे बटन्स हैं सेंटर कंसोल में, वायरलेस चार्जिंग है और कुछ ऑप्शंस हैं। ये है इसका ग्लोव कंपार्टमेंट और इसके अंदर एक एश ट्रे पड़ी है बड़ी ही ज़बरदस्त। इसका इंटीरियर काफ़ी बेंटले से मिलता है, मैंने कॉन्टीनेंटल GT की थी तो उसका इंटीरियर भी काफ़ी ये डायल्स वगैरह और इस तरह के, लेकिन चीप क्वालिटी नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। चलते हैं पीछे और पीछे की सीट्स में आपको दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो होंगची की पीछे वाली सीटों पे हम आ गए हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त जहाज़ किस्म की सीटें हैं इसकी। यहाँ पे आपके पास दो स्क्रीन्स हैं दोनों सीटों के आगे और इससे आप एक्सेस कर सकते हैं मल्टीमीडिया के ऑप्शंस। मल्टीमीडिया पे क्लिक करेंगे तो म्यूज़िक, रेडियो वगैरह, वीडियो वगैरह, और सिस्टम सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स हैं स्क्रीन की, फिर कनेक्टिविटी की, ब्लूटूथ वगैरह फ़ोन आप कनेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम की सेटिंग्स हैं, और बेस्ट चीज़ जो है वो है मसाज। मसाज इसमें है और तीन डिफरेंट टाइप के मसाज हैं, वेव, स्नेक, बटरफ्लाई, और इंटेंसिटी लेवल भी उनका अलग अलग है तीन तक। इसी तरह एम्बिएंट लाइट्स के जो ऑप्शन है वो इसमें भी है, जो मैंने आपको फ्रंट में दिखाया था वो आप एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स भी ऐसे आप चेंज कर सकते हैं अपने, यहाँ पे देखें आपको कलर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा, और आप डिफरेंट मोड्स के हिसाब से कलर, जो मैंने आपको दिखाए थे तीन मोड, वो इसमें भी हैं। यहाँ पे एक ड्राइविंग मोड है जो आप स्विच कर सकते हैं, ड्राइविंग के हिसाब से वो मोड कलर चेंज करेगी, और म्यूज़िक के हिसाब से। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ पीछे बैठ के क्या फील होती है कि आपके पास एक बटन है यहाँ पे, ये ऐसे दबाएंगे तो सीट आपकी आगे फोल्ड हो जाएगी ऐसे, अभी तो पीछे आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे आप दबाएं तो ये फोल्ड होना शुरू हो जाएगी और आपकी सीट लेटना शुरू हो जाएगी ऐसे। तो आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, मज़ीद भी आप इसको आगे कर सकते हैं, और मज़ीद आपके पास यहाँ पे कंट्रोल्स हैं जो आप इस सीट को मज़ीद लेटा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपना VVIP जो है वो कैबिन पीछे। इसी तरह वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स हैं ये वाली। यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, कुछ थोड़ा बहुत रख सकते हैं यहाँ पे, ये ऊपर करें तो यहाँ पे भी एक छोटा मोटा कंपार्टमेंट है। इसके नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शंस हैं और कुछ USB-C के पोर्ट्स, USB के पोर्ट्स और कप होल्डर्स हैं यहाँ पे। एक चीज़ जो डिफेक्ट है इसमें वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त वुडन, इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ आप सामान वगैरह अपना रख सकते हैं या कोई ड्रिंक्स वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन इसको बंद करने के लिए आपको ऐसे खींच के ऊपर बंद करना पड़ेगा। हांकि क्यों, लग्जरी कार, फ्लैगशिप कार आपकी, एक छोटा सा बटन यहाँ पे लगा देते तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता। पर एनीवेज आप इंजॉय करें, इस सीट पे भी आप मसाज इंजॉय कर सकते हैं, चारों सीटों पे इंजॉय कर सकते हैं, और इस सीट के पीछे भी स्क्रीन दी गई है जो इस पैसेंजर के लिए है। तो यहाँ पे ये है, ये लाइट भी है इसमें, आप ऐसे कर सकते हैं, और ये है इसका लग्जरी कैबिन होंकी H9 का। तो आ गए हम H9 में, और बिलीव मी के बहुत ज़बरदस्त और कमाल क्वालिटी है। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी प्राइस में इस तरह की गाड़ी आपको मिलेगी। हर वो चीज़ जो आपको एक एक्सपेंसिव ब्रांड में मिल सकती है वो इसमें भी आपको मिल सकती है। ड्राइव क्वालिटी बहुत स्मूथ है, कोई नॉइस नहीं है, बिल्कुल साइलेंट कार है, और सारे के सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आपके पास इतनी सारी ड्राइव असिस्टेंस हैं इसमें कि मैं क्या बताऊँ। गाड़ी आपको बड़ा ही प्यारा एक
क्वाइट सा जो है अलार्म देती है जब आप लेन चेंज कर रहे होते हैं, वार्निंग अलार्म आता है उसका, ब्लाइंड स्पॉटर है इसमें जो आपको असिस्ट करता है, और ऑटो पार्क भी है इसमें। आपने ऑटो पार्क करनी है गाड़ी, आप ऑटो पार्क पे सेलेक्ट करें, गाड़ी खुद ब खुद जो जगह ढूंढेगी और ऑटो पार्क हो जाएगी खुद से। इसके साथ आपको नज़र आ रहा है ये पी का बटन बना है, ये है ऑटो पार्क। इसको आप दबाते हैं तो स्क्रीन पे ऐसी चीज़ें बन जाती हैं, ये है ऑटो पार्किंग जो गाड़ी खुद ब खुद पार्किंग लगाएगी। वो कैसे, आप चलते जाएंगे ऑटो में तो ये आपको डिटेक्ट करेगी, जैसे ये अभी स्पेसेस नज़र आ रही हैं तो ये डिटेक्ट करके आपको बताएगी। और दूसरा तरीका, मैनुअली आप ख़ुद भी अपनी पार्किंग स्पेस सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये सेलेक्ट की है अभी, तो ये मैंने सेलेक्ट की है तो यहाँ पर स्टार्ट पार्किंग लिखा है। जैसे ही मैं स्टार्ट पार्किंग करूँगा, ये देखें मेरे हाथ और मेरे पाँव गाड़ी पर नहीं है, तो इस तरह ऑटोमेटिकली गाड़ी पार्किंग करना शुरू कर लेगी खुद ही। यहाँ पे जो शेप बनी हुई आती है, जैसे अभी गाड़ी थोड़ी आगे गई है, रुक गई है, इसी तरह ये अभी काली स्पेस नज़र आ रही है आपको गाड़ी बनी हुई, गाड़ी पीछे आएगी फिर इस तरह रुक जाएगी, ऐसे ही आगे पीछे करके गाड़ी खुद ब खुद पार्किंग करेगी। आप बाहर से भी इसका व्यू देख सकते हैं और ख़ुद ब खुद गाड़ी पार्क कर रही है, मैं कोई हाथ नहीं लगा रहा, ना मेरी टांगें जो हैं इसको कंट्रोल कर रही हैं। तो ऑटोमेटिक पार्किंग इस तरह भी आप कर सकते हैं। ऑटो पार्किंग में आप दोनों तरीके, जैसे अभी मैन्युअली मैंने खुद पार्किंग सेलेक्ट की है, तो इसी तरह ऑटोमेटिकली गाड़ी आप चलाते जाएंगे तो साइड में लेफ़्ट और राइट में आपको अगर कोई पार्किंग स्पेस गाड़ी डिटेक्ट करती है तो वो आपको बताएगी कि मैंने पार्किंग डिटेक्ट की है, अगर आपको लगानी है तो आप लगा सकते हैं। तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। और जैसे ही ये कम्प्लीट होगी तो ये देखें लिखा है पार्किंग हैज़ बिन कम्प्लीटेड, तो इसको कन्फर्म करें, ऐसे आप अपनी ऑटो पार्किंग लगा सकते हैं। और उसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है इसमें, कि ये जो पीछे देखने वाला जो शीशा है ये कंटिन्यूसली एक कैमरा की तरह बन जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो कैमरा के लिए है, तो जैसे आप वो क्लिक करते हैं तो कंटिन्यूसली आप चला रहे हैं गाड़ी तो वो कैमरा आपको पीछे की ट्रैफिक और रोड्स और सारा वो व्यू देता है जो आपको चाहिए होता है। और एम्बियंट लाइट म्यूज़िक के साथ चेंज होती है, जैसे ही म्यूज़िक ऊपर जाएगा तो एम्बियंट लाइट्स के कलर भी उस हिसाब से चेंज होते हैं, ये आपको रात को अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी। और सब सीटों में मसाज, आप मसाज करते करते गाड़ी चला सकते हैं अपनी, और बाकी क्या चाहिए आपको। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि कोई आप ऐसी गाड़ी लें, लग्जरी कार लें, तो ज़रूर H9 के बारे में सोचें, क्योंकि सस्ते प्राइस में सारी चीज़ें आपको मैसर हैं। आप BM, Audi और S क्लास से अगर कंपेयर करें इसको, इवन के Rolls-Royce Ghost से भी अगर कंपेयर करें, तो आपको सारे वो ऑप्शंस मिलते हैं इसमें जो उन गाड़ियों में हैं, और प्राइस में ये उनसे बहुत ज़्यादा कम है। अब BM या Mercedes 6-7 लाख से शुरू होती है और ये सिर्फ़ और सिर्फ 3.5 लाख UAE दरम से शुरू होती है, और अगर Ghost से आप करें कंपेयर तो वो तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए बहुत अच्छी ड्राइव है इसकी, मुझे बहुत मज़ा आया इसका रिव्यू करके, मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी गाड़ी होगी ये जो मुझे लगी है। और इवन के बाहर से चलते हुए अगर आप देखें तो क्या कमाल इसकी शेप है, और चलते हुए आपको एक एक्सपेंसिव लग्जरी फील होती है। तो ये थी होंगची की H9, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, गलत से भी मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए माजरत। इंग्लिश वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जो है कार किड, और अपना बहुत ख्याल रखें मेरे इस चैनल का भी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।